Hello guys, how are you? In today's video, we will talk about important common genders. Common genders को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग, ठीक? Masculine gender, पुरुषवाचक, feminine gender, स्त्रीवाचक, लेकिन common gender जो होता है वह उभयलिंग होता है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. चौथा आप जानते हैं न्यूट्रल जेंडर्स. ये चार प्रकार के जेंडर्स होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर कॉमन जेंडर की बात करेंगे. तो आइए देखते हैं स्टूडेंट. ये ऐसे नाउन्स यहाँ पर हैं जिनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए किया जाता है. देख लीजिए, स्टूडेंट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बॉय और गर्ल दोनों आते हैं. पेरेंट, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेरेंट का यूज़ होता है या तो माता के लिए या तो पिता के लिए, दोनों के लिए नहीं यूज़ होता. ध्यान दीजिएगा, अगर पेरेंट है तो समझ जाइए या तो उसमें माता अकेली हैं या तो पिता अकेले. जैसे हमारे पेरेंट आ रहे हैं तो उसमें अगर पिताजी आ रहे हैं तब भी आप वहाँ बोलेंगे हमारे पेरेंट आ रहे हैं, ठीक. अगर माता जी आ रही हैं, पिताजी नहीं आ रहे हैं, तब भी बोलेंगे हमारे पेरेंट आ रहे हैं. या अकेले बोल सकते हो, मदर आ रही हैं या फादर आते हैं, तब तो क्लियर हो जाता है मेल फीमेल का. लेकिन पेरेंट में दोनों शामिल हैं, माता या पिता दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो अकेले अकेले. लेकिन इसका अगर माता पिता दोनों को शामिल करना चाहते हो तो पेरेंट्स हो जाएगा, इसी का बहुवचन हो जाता है पेरेंट्स. ओके, आगे देखेंगे. एनिमी, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, दोनों के लिए यूज होता है. ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ, आप जानते ही हैं. फिर उसके बाद होता है थिप, थिप मीन्स होता है चोर. स्त्री पुरुष दोनों के लिए है. जितने भी नाउन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सब स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं. स्पाउस, स्पाउस मतलब होता है पति पत्नी, ठीक. टीचर, दोनों आते हैं. मैडम्स भी, अगर आप मैडम लिख देते हो तो अलग हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा, मैडम केवल स्त्रीलिंग को बताने वाला शब्द है, और सर जो आप बोलते हो वो केवल पुरुषवाचक है, ठीक. जो जेंट्स होंगे टीचर, वहाँ पर आप बोलोगे सर, लेकिन मैडम जो लेडीज़ हैं बोलते हो, लेकिन टीचर बोल दिए तो इसका मतलब स्त्री पुरुष दोनों है इसमें. टीनेजर, टीनेजर मीन्स होता है, आप जानते ही हैं, टीनेजर मीन्स होता है किशोर या किशोरी. स्त्री पुरुष दोनों, लड़की लड़का दोनों आ रहे हैं. चाइल्ड, आप जानते ही हैं, दोनों के लिए यूज़ होता है. बेबी. पीपल, पीपल मीन्स लोग, दोनों शामिल हैं. नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, दोनों शामिल हैं. कहीं कहीं देखते होंगे आप यहाँ पर यू नहीं लगाया होगा, दोनों स्पेलिंग सही है, चाहे आप बी ओ यू आर लिखें चाहे लिखें बी ओ आर, दोनों सही है, ठीक है. फिर उसके बाद आता है फ्रेंड, दोनों आते हैं. इन्फेंट, शिशु, दोनों के लिए. रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोनों आते हैं. ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, दोनों हैं. प्यूपिल, प्यूपिल मतलब होता है शिष्य शिष्य, दोनों आते हैं. मनार्क, मनार्क मीन्स राजा रानी, दोनों आते हैं. पेरेंट्स, अब ध्यान देना, इसमें देखो दोनों हैं, माता पिता दोनों शामिल होंगे. हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं मतलब हमारे माता पिता दोनों आ रहे हैं, या गार्जियन आ रहे हैं. कोई मान लीजिए आपके घर का कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जैसे दादाजी हो गए, चाचा जी हो गए, चाची जी हो गई, माता पिता के अलावा, तो उनके लिए अभिभावक के अर्थ में भी पेरेंट्स का यूज़ होता है, कोई भी हो इसमें स्त्री पुरुष. सर्वेंट, इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, दोनों के लिए यूज़ होता है. डॉक्टर, दोनों के लिए. ऑफिसर, दोनों के लिए. स्ट्रेंजर, अजनबी, दोनों के लिए. साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, दोनों के लिए. नेक्स्ट है पुलिस, दोनों के लिए. पुलिस ऑफिसर भी बोल सकते हो. जज, दोनों के लिए. जज मीन्स न्यायाधीश. राइटर, लेखक लेखिका. सोल्जर्स, जानते ही हैं सोल्जर, इसमें दोनों आते हैं. कज़न, कज़न मीन्स होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, दोनों आ सकते हैं. आर्टिस्ट, कलाकार, दोनों आएंगे. सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है सगा, सहोदर, सहोदर भाई या बहन, दोनों भाई या बहन दोनों के लिए यूज़ होता है सहोदर. ऑथर, दोनों के लिए. मैनेजर, दोनों के लिए. लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे मैनेजर के लिए मैनेजरेस का भी प्रयोग करता है, यानी मैनेजरेस, मैनेजर में मैनेजर्स कर देता है, लेकिन ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है, इसका प्रयोग दोनों के लिए यूज़ होता है. जैसे पोएट, पोएट किसी कवित्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कवि के लिए भी, लेकिन पोएट का स्त्रीलिंग मॉडर्न में कभी कभी यूज़ होता है पोएटेस के रूप में, तो उसी तरह ये भी है, लेकिन इसका प्रयोग दोनों के लिए यूज़ होता है.
म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब जानते हो, संगीतज्ञ, दोनों के लिए कुक, रसोइया, खाना पकाने वाला या वाली, सिंगर, गायक गायिका, डांसर, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ होता है, स्त्री पुरुष, प्रिंसिपल, दोनों के लिए, एनिमल, स्त्री जाति और पुरुष जाति को बताने वाले दोनों जानवरों के लिए, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, दोनों के लिए, गार्जियन, दोनों लोगों के लिए, मिनिस्टर, मंत्री जानते ही हो, दोनों के लिए, ऑनर, दोनों के लिए, पैसेंजर्स, पैसेंजर मीन्स यात्री, ऑनर मीन्स मालिक, मालकिन, ठीक है, प्रेसिडेंट, दोनों के लिए, गेस्ट, दोनों के लिए, कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स होता है साथी, ठीक, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, गेस्ट मीन्स मेहमान, आप जानते ही हैं। फिर आता है लीडर, लीडर मीन्स नेता, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, प्लेयर दोनों के लिए, पर्सन दोनों के लिए, इसी तरह आप जानते ही हैं, बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल है, जैसे आप बोलते हैं पोएट है, इस तरह के डांसर आप देख ही लिए, रनर हो गया, जितने भी वर्ड तो बहुत सारे हैं जिनका कॉमन जेंडर के रूप में यूज़ किया जाता है स्त्री पुरुष, लेकिन मैंने 50 वर्ड्स यहाँ पर लिया है, तो इसको गौर से देख लीजिएगा, कहीं पर आपको बोलना पड़े, चाहे किसी मैन को यानी लेडीज़ को बोलना पड़े या मैन यानी पुरुष को बोलना पड़े, तो दोनों के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से एक देख लीजिए कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्त्री और पुरुष दोनों जाति को बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, पेरेंट, ठीक, सिंगल या तो माता या तो पिता, ओके, एनिमी, ऑर्फन, अनाथ इसको बोलते हैं, थीप, स्पाउस, पति पत्नी, टीचर, टीनेजर, टीनेजर में जानते हो, किशोर किशोरी, चाइल्ड, बेबी, पीपल, नेबर, पड़ोसी, फ्रेंड, इन्फेंट, शिशु, रिलेटिव, रिश्तेदार, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, प्यूपिल, सिस, मोनार्क, राजा रानी, पेरेंट्स, माता पिता दोनों शामिल होंगे या अभिभावक के रूप में भी इसका यूज़ होता है, चाहे इसमें लेडीज़ हों या जेंट्स हों, सर्वेंट, डॉक्टर, कभी कभी लेडी डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर दोनों के लिए यूज़ होता है, ऑफिसर, स्ट्रेंजर, साइंटिस्ट। फिर नेक्स्ट है पुलिस, जज, राइटर, सोल्जर, कज़न, आर्टिस्ट, शिबलिंग, शिबलिंग का मतलब आप जानते हो, सगे भाई या बहन, सहोदर बोलते हैं इसको, दोनों शामिल होते हैं, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ऑथर, मैनेजर, म्यूजिशियन, कुक, सिंगर, डांसर, प्रिंसिपल, ठीक है, एनिमल, एम्प्लॉय, गार्जियन, मिनिस्टर, ऑनर, पैसेंजर, प्रेसिडेंट, गेस्ट, कॉमरेड, फिर है लीडर, प्लेयर और लास्ट है पर्सन, ओके, तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण कॉमन जेंडर्स हैं जो हमने आपको बताया, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक, अन्य लोगों तक, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें, चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दैट्स ऑल।